देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। आने वाले त्योहार विशेषकर मेलों में यदि लापरवाही बरती गई तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और प्रदेश पुनः संकट में फंस जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस ट्वीट के साथ ही घोषणा कर दी गई है कि होशंगाबाद और पचमढ़ी में लगने वाला प्रसिद्ध महादेव मेला स्थगित कर दिया गया है। ये मेला 3 से 12 मार्च तक लगना था। जानकारी के मुताबिक होशंगाबाद जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मेला स्थगित करना पड़ रहा है। इस मेले में महाराष्ट्र से हजारों श्रद्धालु आते हैं। इसके साथ ही होशंगाबाद का संत रामजी बाबा मेला भी स्थगित कर दिया गया है। यह मेला 24 फरवरी से 10 मार्च तक लगना था। उल्लेखनीय है कि महादेव मेला हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। दूर दूर से लोग चौरागढ़ पचमढ़ी में महादेव की पूजा करने आते हैं। खासकर नागपुर समेत विदर्भ के सभी जिलों से बड़ी संख्या में महादेव भक्त भारी भरकम त्रिशूल हाथ में लिए पहुंचते हैं। पचमढ़ी में महाशिवरात्रि के मेले के अलावा नाग पंचमी पर नागद्वार का भी मेला लगता है। उक्त दोनों मौके पर बड़ी संख्या में लोग दर्शनों के लिए आते हैं। गत वर्ष भी कोरोना के कारण ये दोनों मेले रद्द कर दिए गए थे, मगर इस बार 3 मार्च से 12 मार्च के बीच मेले के आयोजन की अनुमति दी गई थी। लेकिन महाराष्ट्र में खासकर विदर्भ में फिर एक बार कोरोना बाधितों की संख्या बढ़ने लगी है। यही वजह है कि विदर्भ के कुछ जिलों में फिर एक बार लॉकडाउन लगा दिया गया है। मेला रद्द होने की खबर से पचमढ़ी के व्यापारियों में नाराजगी देखी जा रही है। उक्त दोनों मेलों के मौके पर अच्छा खासा व्यवसाय होता है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।